जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में शनिवार सुबह दो ब्लास्ट हुए। जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह ने बताया कि इस ब्लास्ट में 7 लोगों के जख्मी होने की जानकारी मिली है। ब्लास्ट के बाद जम्मू पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दो वाहनों में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिससे 6 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। अब आप सरकार ने गेस्ट टीचर्स के मामले को लेकर LGBT के सक्सेना पर निशाना साधा है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने शनिवार यानी कि 21 जनवरी को कहा कि LG ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कुछ गेस्ट टीचर्स को घोस्ट टीचर कहा है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के ठगी के मामले की वजह से बॉलीवुड की दो बड़ी अदाकाराओं के बीच जंग छिड़ गई है। बीते दिनों पहले एक्ट्रेस नौरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस पर मानहानि का केस कर दिया है। ऐसे में नौरा की शिकायत पर अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में फंसे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को फैलाने और बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी हुई है। वहीं अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी शक्तियों को प्रमाणित करना होगा। BJP और कांग्रेस के बीच एक बार फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर विदेशी कोविड टीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। इसका पलटवार करते हुए अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने चंद्रशेखर पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि चिकने खम्भे पर चढ़ाई करने की आपकी महत्वाकांक्षा आपको उससे अधिक झूठा न बना दे जितने आप हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में BJP के खिलाफ विपक्ष अभी से बिखरा हुआ नजर आने लगा है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस लिहाज से BJP के खिलाफ विपक्षी एकता की परीक्षा विधानसभा चुनाव में होगी। समाजवादी पार्टी, BSP, JDU और RJD सब अलग अलग पड़े नजर आ रहे हैं। सरकार ने उग्रवादी संगठन कांतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर इन चीफ जीवन सिंघा, कोच और कुछ अन्य नेताओं के जंगल से निकलकर मुख्य धारा में शामिल होने की बातचीत की प्रक्रिया शुरू की है। केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और KLO के सदस्यों के बीच जल्द ही बैठक होगी, जिसकी तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दायर की गई है। इस चार्ज शीट में कई खुलासे किए गए हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ने इस मामले में कोर्ट में अपने दर्ज करवाए हैं। एक्ट्रेस ने बताया है कि मई 2018 में जब वो सुकेश चंद्रशेखर से मिलने तिहाड़ जेल से बाहर आई, तो पिंकी ईरानी ने BMW कार में उसकी और 2000 रुपए के नोटों का एक बंडल उछालते हुए कहा, ये रख तेरी मुंह दिखाई। बद्रीनाथ धाम को जाने वाला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूधसाव की चपेट में आता नजर आ रहा है। जोशीमठ भूधसाव को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां दरारों वाले भवनों की संख्या बढ़कर 863 हो गई है, तो वहीं अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूधसाव की चपेट में आता जा रहा है। मुंबई के उपनगर इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ घाटकोपर इलाके में रहने वाली एक मानसिक रूप से अस्थिर लड़की के साथ 3 नाबालिगों ने दुष्कर्म किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता बाथरूम के लिए गई थी कि तभी तीनों आरोपियों ने उसे घेर लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार प्रशासन ने 7 मस्जिदों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर जुर्माना लगाया है। इसे जमीयत उलेमा उत्तराखंड के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद आरिफ ने ध्रुवीकरण वाला फैसला बताया है। वहीं प्रशासन ने कहा कि तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था। जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान मक्की ने कश्मीर राग अलापा है। आतंकी मक्की ने वीडियो जारी कर कहा है कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान का राष्ट्रीय मुद्दा है। बता दें कि मक्की को हाल ही में ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले दिनों मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। ग्लोबल आतंकी घोषित होने के बाद मक्की ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कश्मीर को लेकर बोल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री फेस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। सपा प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को लोकसभा 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया। उन्होंने कहा, उनमें पूरी क्षमता है। अखिलेश यादव PM पद के अच्छे पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वक्त आने पर वो यह जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मुंबई के बांगुर नगर पुलिस ने करनी सेना के नेता और एक्टर सुरजीत सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। मॉडल से छेड़खानी करने और उसे परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। मॉडल ने सुरजीत सिंह राठौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है।
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न व डराने धमकाने के आरोप है, उन्हें जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने तक पद छोड़ने के लिए कहा गया है। मगर इसके बावजूद ब्रजभूषण आज उत्तर प्रदेश की गोंडा में हो रही एक बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने।